2008 की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार से सहायता लेने वाली यानी कि आर्थिक सहायता इसमें शामिल है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने यह फैसला दिया। मामला पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 की वैधता से जुड़ा हुआ था, जिसमें मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक आयोग गठन का फैसला किया गया था। मदरसों की समितियों के प्रबंधन की ओर से दायर याचिकाओं पर 2015 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने इसी अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 30 के विपरीत यानी कि विरोध में घोषित किया था, जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कुछ शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। तो समझेंगे इस पूरे फैसले को, इसके मायने क्या है और इसका असर कहां पर, कितना और कैसे दिख सकता है। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में सत्य प्रकाश हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से। सत्य, स्वागत है। मेहताब आलम है, प्रिंसिपल है मदरसा एकरा पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अरिशान नकवी हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्वागत है आपका भी। और एजाज अहमद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस्लामिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर एसोसिएशन से, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। शुरुआत में करना चाहूँगा नकवी साहब आपसे, क्योंकि आप एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इसके मायने क्या है और किस तरीके से जो कोलकाता कोर्ट का फैसला या मैं कहूँ कि हाई कोर्ट का फैसला था उससे अलग जाता है और क्या कुछ उससे अलग इस फैसले को ले जाता है जो तर्क थे। जी, तो जो अधिनियम है जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने और उसके पहले हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने जो डिसीजन दिया था और असंवैधानिक बताया था उस अधिनियम को, उस अधिनियम के अंतर्गत एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है इस अधिनियम के अंदर और वो कमीशन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन और नॉमिनेशन भिजवा सकता है मैनेजमेंट कमिटीज़ को मदरसे की। और वेस्ट बंगाल में मदरसे नोटिफाइड है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की तरह से। हमारा संविधान की आर्टिकल 30 ये अधिकार देता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं यानी कि बना सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं यानी कि चला सकते हैं। तो सवाल ये हुआ था कि सवाल ये उठा कि इस अधिनियम के तहत जब शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार एक कमीशन को दे दिया जाएगा तो क्या ये संविधान की धारा 30 जो आर्टिकल 30 है उससे कन्फर्मिंग है या उसके अगेंस्ट है। तो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने ये डिसाइड किया था, सिंगल जज ने भी और डिवीजन बेंच ने भी, कि ये उन अधिकारों का कुछ हद तक हनन करता है और इसको असंवैधानिक करार दिया गया था। नाउ इसके अंतर्गत कुछ शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई थी और वो शिक्षक और कुछ मैनेजमेंट कमेटी और अलग अलग अपीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। तो महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते हुए कहा है और काफ़ी सारे कंसिडरेशंस उन्होंने रखे हैं इसमें, जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को जो 2008 का था इसको असंवैधानिक नहीं पाया है और इसमें जजमेंट अभी अपलोड हुआ है, मैंने कुछ पेजेस उसके पढ़े हैं, उसमें उन्होंने पहले के काफ़ी सारे जजमेंट TMAPI फाउंडेशन के और काफ़ी अलग अलग जजमेंट जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर DAV कॉलेज का जजमेंट है वो सारे जजमेंट्स उन्होंने इवेल्युएट करे हैं और उन सबको मद्देनजर रखते हुए कहा है कि इसमें संवैधानिक अधिकारों का कोई भी हनन इस अधिनियम से नहीं हो रहा है और उसके उन्होंने कारणों की भी व्याख्या करी है। वो कारण उनके ये भी हैं कि एक तो जब एक कमीशन का नॉमिनेशन होता है और कमीशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसके लोग हैं उसमें उन्होंने इस्लामिक थियोलॉजी को जानने वाले उसके जानकार लोगों को रखने का प्रावधान है। उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी को अधिकार है कि किसी भी नॉमिनेशन को वो मना कर सकती है अगर उसको लगता है कि वो गलत है या मैनेजमेंट कमेटी कोई ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर ढूंढ सकती है। तो जो मुझे लगा अभी जजमेंट पढ़ने से वो ये लगा कि जो डिसीजन कमीशन का है या कोई अगर शिक्षक अपॉइंट करने का नॉमिनेशन है वो मैनेजमेंट कमेटी पे इस तरह से बाध्य नहीं है कि उसको चैलेंज ना किया सके और किसी भी कारण के बिना बताए बिना उसको इम्प्लीमेंट करना पड़े। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो
इस अधिनियम को संविधान के अनुरूप मानती है और संविधान का हनन इस अधिनियम के थ्रू नहीं हो रहा है, खास करके आर्टिकल 30 का, जो माइनॉरिटीज को राइट देता है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का और चलाने का। नकवी साहब, एक चीज और उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, क्या ये माना जाए कि आर्थिक मदद अगर कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान लेता है तो वो आयोग की रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बाध्य है, या फिर वो सिर्फ एक एडवाइजरी के तौर पर होंगी, आयोग की रिकमेंडेशंस सलाह के तौर पर होंगी, जो विशेषाधिकार है वो उस मदरसा या मैनेजमेंट के पास सुरक्षित रहेगा? तो अभी मैं जजमेंट अभी अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, काफी डिटेल जजमेंट है, जितना मेरे पढ़ने में आया है ये बाध्य नहीं है, ये जो नॉमिनेशन किया जा रहा है उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी के पास राइट होगा कि अगर वो ये बता सकती है कि ये जो आपका नॉमिनेशन है उसमें कोई गलती है, या अगर वो कोई ज़्यादा क्वालिफाइड शिक्षक उसकी जगह ढूंढ सकते हैं तो उस केस में वो बाध्य नहीं है, वो कमीशन को लिख सकती है और कमीशन उस केस में जो लिखा जाएगा मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू उसको कंसीडर किया जाएगा। और वित्तीय सहायता सिर्फ दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाध्य है मानने के लिए, ऐसा ऐसी मेरी रीडिंग है जजमेंट की, जो मैं कुछ प्रश्न उसके अभी तक पढ़ पाया हूँ। मेहताब, एक सवाल मेरा यहाँ पर, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, मदरसा खोलना चलाना ये अधिकार है और संवैधानिक तौर पर अनुच्छेद 30 देता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट कोई और आयोग अगर निर्देशित करे या सलाह दे आपको या आपके मैनेजमेंट को या किसी भी मदरसा के या किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को, क्या आपको लगता है ये उचित है, सही है, या फिर इसमें कोई बुराई है, हर्ज है? अगर हर्ज है तो क्या है? देखिए, दो तरह से अभी जो मदरसे हिंदुस्तान में चल रहे हैं वो दो तरह के मदरसे चल रहे हैं। एक तो है कि जिनका पूरा वित्त जो है गवर्नमेंट उनको दे रही है, वो दूसरा सेल्फ फाइनेंस मदरसे हैं। अब सेल्फ फाइनेंस मदरसे में वो पूरी तरह से जो सोसाइटी है वो अपने टीचर रखती है, चाहे वो इंग्लिश टीचर है, मैथ टीचर है, कोई भी टीचर है, वो उसके बाद में उसको आगे भेजा जाता है। जिला स्तर पर ये मदरसे चलते हैं, फिर उसके आगे भी ये चीज़ें जो है बताई जाती हैं कि हमने इस टीचर को रखा है और इसकी ये ऐसी ऐसी क्वालिफिकेशन है। अभी जो मदरसा मॉडलाइजेशन जो टीचर हैं हमारे यहाँ पे यूपी के अंदर, तो वो क्वालिफाइड हैं, जैसे एमए हैं, बीएड हैं, सारे क्वालिफाइड टीचर हैं। तो मैं समझता हूँ इन केसेस में जो है गवर्नमेंट को कोई फैसला लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो इस्लामिक मदरसे हैं जहाँ पर सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही है, तो वहाँ बेहतर हो सकता है कि हम ऐसे टीचर्स को रखें जिससे जो है हिंदी या इंग्लिश जो मॉडर्न एजुकेशन के सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ाया जा सके। तो एक जो हमारी ये बॉडी है इसको एक सलाह के तौर पे भी जो है कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अगर वो उसको गवर्न करे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का अगर इस केस को देखें तो सीधे तौर पर जो सरकार ने उस वक्त तत्कालीन सरकार 2008 में जब ये अधिनियम ये कानून बनाया गया उसका मकसद यही था कि वहाँ पर बेहतर शिक्षा के लिए जो उनके कॉन्सेप्ट जो उनका लक्ष्य था, क्योंकि वो वित्तीय सहायता लेते हैं तो उन्होंने कहा कि हक बनता है सरकार का कि वो देखें कि टीचर कौन है, नियुक्ति कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इसके लिए आयोग ज़्यादा बेहतर है बनस्पति की मदरसे इंडिविजुअल या व्यक्तिगत स्तर पर अपने लेवल पर रिक्रूटमेंट करें। देखिए, अगर आयोग बना करके हम उसको जो है टीचर्स को रखते हैं तो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से अगर सरकार ये चाहे कि हम उसको गबन कर लें, अपने अंडर में ले लें, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं हो सकता, मैं जहाँ तक मानता हूँ। तो अगर इस तरीके से हम काम करेंगे, दोनों लोग साथ मिल के काम करेंगे, तो सरकार के साथ में मदरसे भी अपने देश को की शिक्षा में आगे बढ़ करके कदम से कदम मिला करके चलने की कोशिश करेंगे। नहीं, लेकिन किसी भी राज्य सरकार, क्योंकि ये मामला है, तो सरकार ने ये नहीं कहा कि वो गवर करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बेहतरी के लिए अगर आयोग अपॉइंट करता है जी शिक्षकों को, तो उसमें बुराई क्या है? देखिए, जहाँ तक बुराई वाली बात है तो उसमें दोनों लोगों का अगर साथ होगा तो बेहतरी से काम कर पाएंगे, कि अगर एजुकेटेड शिक्षक है, अगर प्रबंधन कमेटी की तरफ से ही एक गाइडलाइन ऐसी दी जाए कि ये जो है हमारी गाइडलाइन है,
इस गाइडलाइन के अनुसार ही टीचर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये सब्जेक्ट वो पढ़ाए, ठीक है। अगर इस तरीके से काम होता है तो ज़्यादा बेहतरी से वो। अभी नियुक्ति में कोई गाइडलाइंस होती है मदरसों में, क्या क्वालिफिकेशन है इस तरह से, या कि हर मदरसे का अलग गाइडलाइन है, अलग इंडिविजुअल लेवल पर होता है? अभी यूपी के अंदर जो मदरसा मॉडलाइजेशन स्कीम है उसके अंदर जो दो तरह के शिक्षक हैं मदरसा मॉडलाइजेशन में, एक है स्नातक और मतलब बीए या पोस्ट ग्रेजुएट, और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट, वो बीएड भी हैं साथ में। तो ये गाइडलाइन है कि कम से कम इतना इतना पढ़ा लिखा टीचर होना ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है मदरसे के अंदर रखा जाएगा, इंटर या उससे जो अलग क्वालिफिकेशन है वो टीचर ना हो, ये गाइडलाइन है। ओके सत्या, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को, और जो पूरा केस मैं कहूँ कि अगर इसके बैकग्राउंड पर समझना चाहें, 2008 से लेकर 2020 की जब हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो तीन बड़े पड़ाव, एक तो 2008 में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, दूसरा जब कोलकाता हाई कोर्ट ने इसे बदला, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के क्यों कहना पड़ रहा है कि नहीं वो ठीक है और आपको रिकमेंडेशन या फिर उसकी अनिवार्यता आयोग की वो ठीक है। देखिए मदरसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अलग अलग, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात मैं कह रहा हूँ, जो रन कर रहे हैं जिसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, और बाकी जैसे सिख और बाकी कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें मदरसों को लेकर क्वालिटी हैज़ बीन अ प्रॉब्लम। और इसके लिए कि आपने ये नहीं सुना होगा कभी कि कोई क्रिश्चियन रन स्कूल के मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई स्कीम चल रही हो, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। मदरसों के लिए इस तरह की बात हुई है, उसकी वजह ये रही है कि जो आम तौर पे मदरसों में जो शिक्षा की गुणवत्ता एक समस्या रही है, और ये सिर्फ एक जगह की नहीं पूरे हिंदुस्तान में रही, इसलिए अलग अलग जगह पर राज्य सरकारों के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। एक शायद वही यही वजह रही होगी कि वेस्ट बंगाल की असेंबली ने ये सोचा होगा कि कोई अगर कमीशन बना के इसमें नियुक्तियां हों तो शायद बेहतर एक तरह से इंस्टीट्यूट संस्थागत ढंग से नियुक्तियां हो पाएंगी और एक मानदंड स्थापित होगा जिसके तहत और जिसको पूरा करने वाले लोग ही वहाँ पर आ पाएंगे। लेकिन अगर मुझसे आप पूछें कि जो कानून की दृष्टि से आर्टिकल 30 में जो रिक्वायरमेंट है उसकी दृष्टि से कहें, उसमें तीन रिक्वायरमेंट है। आप अगर आर्टिकल 30 में बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं तो आपको पहले ये साबित करना है कि आप रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, एक। दूसरा कि आपने वो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया है, और तीसरा तभी आपको उसको एडमिनिस्टर करने का अधिकार मिलेगा। अभी अगर वेस्ट बंगाल की स्थिति देखिए तो वहाँ ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं मदरसाज हैं ये अलग अलग जगह पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इट मींस कि कोई माइनॉरिटी ग्रुप ने या इंडिविजुअल ने उसको इस्टेब्लिश किया है, तो वो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस्टेब्लिश किया है तो उनको एडमिनिस्टर करने का अधिकार उनको होना चाहिए। अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे हैं अलग अलग मामलों में, उसमें यह है कि सरकार उसमें रेगुलेशन ला सकती है, मानदंड तय कर सकती है गुणवत्ता के लिए, लेकिन जहाँ तक उसको एडमिनिस्टर करने का अधिकार है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को है। मुझे ऐसा लग रहा है सरकार या आयोग के पास नहीं जा सकता, वो एडमिनिस्टर करने का अधिकार माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को है। इस फैसले में ये लग रहा है कि कई तर्क दिए गए हैं, जैसा कि आलिशान साहब ने कहा कि तर्क ये दिया गया है कि जो कंपोजिशन है कमीशन का उसमें थियोलॉजी के जानकार, इस्लामिक थियोलॉजी के जानकार हैं, और ऐसे लोग हैं जिनको लेके शायद कोई सवाल नहीं किया जा सकता है कि वो ऐसे नहीं हैं कि उनको इन सब विषयों का पता नहीं है, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी विद इन दी माइनॉरिटी कम्युनिटी इन क्वेश्चन, दैट इज़ मुस्लिम कम्युनिटी। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों के सहारे जो फैसला लिया है और इसको सही ठहराने का इस एक्ट को ये लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्कोप, जो एडमिनिस्टर जो एक्सप्रेशन है, एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर करने का जो राइट है वो इस फैसले के बाद वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिस्ट्रिक्ट हुआ। हालांकि अभी मैंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा है, सिर्फ लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स मैंने देखे हैं, तो इसलिए पूरा पढ़ने के बाद मैं, क्योंकि बाकी के जो फैसले हैं जो TMFI की चर्चा की उन्होंने, और भी TMFI में एक ख़ास चीज़ है, TMFI ने कहा है कि आर्टिकल 30 में जो राइट है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, इट कैनॉट ओवर राइड द नेशनल इंटरेस्ट। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो उसमें कही गई हैं, और इसलिए जो रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बनाएगी वो उन पर भी लगेगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एडमिनिस्टर करने का मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले से वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, और बाकी
एक बार जब पूरा फैसला पढ़ें तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि और क्या क्या तर्क दिए गए। जी एजाज अहमद साहब हमारे साथ हैं। एजाज साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो कोर्ट ने कहा और ख़ासतौर पर मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 को लेकर पश्चिम बंगाल में, वो आपको क्या लगता है, उस पर आपकी राय क्या है कि क्या मदरसों का संचालन, उसमें शिक्षकों की नियुक्ति, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ मदरसा मैनेजमेंट के पास रहना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इसके लिए आयोग का गठन ठीक है और ये कदम बेहतर है। जी जी, देखिए जहां तक मदरसों की बात है तो मदरसे वैसे फाइनेंशियली बहुत कमजोर हैं और दान चंदे से चलते हैं। अब जहां तक बात यह है कि सरकार उन मदरसों में कमीशन के द्वारा जो नियुक्ति करना चाहती है या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं फैसले का आदर करता हूं, लेकिन ये फैसला अगर मदरसों के कंडीशन की तरफ देखा जाए तो इस हिसाब से ये फैसला शायद उनके लिए बेहतर ना हो इसके लिए, क्योंकि देखिए मदरसे आज की डेट में जो मदरसे के लिए स्कीमें तो सरकार बहुत बनाती है, लेकिन उन मदरसों की स्कीमों का किसी का इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है इसमें पूरे भारत में 50,000 मदरसा टीचर काम करते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन का हाल यह है कि 4 साल हो गए मदरसा आधुनिकरण टीचर्स को सरकार ने मानदेय नहीं दिया है, करीब 16 टीचर सुसाइड कर चुके हैं और 7 सांसद संसद में आवाज उठा चुके हैं इसी सत्र में, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो देखिए स्कीम तो बहुत अच्छी है मदरसा आधुनिकीकरण, लेकिन जो उसमें टीचरों को रखा गया तो टीचरों को सरकार ने मानदेय ही नहीं दिया। तो अब दूसरी तरफ अभी हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में हुआ कि हम मदरसों में NCERT सिलेबस लागू करेंगे। हमने कहा सरकार का ये कदम जो है स्वागत योग्य है, NCERT सिलेबस लागू करिए। सरकार ने NCERT सिलेबस लागू कर दिया, दूसरा साल चल रहा है, दूसरा साल खत्म होने वाला है, लेकिन सरकार ने आज तक मदरसों में NCERT की किताबें नहीं दी। और वो टीचर जो NCERT पढ़ाते थे मदरसों को में स्टूडेंट को, उनको सरकार ने मानदेय नहीं दिया। तो आप बताइए कि इस तरह की जो सरकार जो का जो उसमें मुदाखलत वाली बात है, तो आप मदरसे के टीचर को पैसा नहीं देंगे, आप सिर्फ उस चीज को सिर्फ राजनीति में और उसको एक प्रचार तंत्र में उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एजाज साहब, तो मैं समझता हूँ इस तरह से काम होते रहे तो जमीनी काम नहीं होगा। तो मेरा एक सीधा सवाल सर, सर्वाइव करेंगे ना मदरसा सर्वाइव करेंगे? आपने तीन बड़ी चीजें कही कि सरकार की ओर से मानदेय नहीं मिलता या मिला नहीं है, आप वो शायद यूपी की बात कर रहे हैं या सभी राज्यों में ऐसा हाल है? जी पूरे इंडिया की बात मैं बात कर रहा हूँ। 50,000 टीचर मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कीम चला रही है, SPQM स्कीम नाम है उसका, मदरसा आधुनिकीकरण कहते हैं। उसमें जो टीचर काम कर रहे हैं उसको सरकार ने कहा था कि हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए टीचर रखेंगे। सरकार ने कहा, मदरसों ने अपने प्रस्ताव भेजे, 50,000 टीचर सरकार ने रख लिए। पूरे इंडिया में करीब 16 स्टेट में स्कीम चलती है। अब जब मानदेय देने की बात आई तो आप बताइए 4 साल हो गए उन टीचरों को सरकार ने मानदेय ही नहीं दिया। सर 2014-15 में इसका बजट 375 करोड़ रुपए था, फिर सरकार ने इसका बजट काट के 120 करोड़ कर दिया। ओके, हमारे यहाँ अकेले यूपी की डिमांड 266 करोड़ रुपए एक साल की है। एक और चीज, पूरे इंडिया की डिमांड करीब 500 करोड़ से ऊपर है। मदरसों में सरकार की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति से पहले, जो आप कह रहे हैं कि वहां पर टीचर रखे गए, उससे पहले का सिस्टम क्या था? जी जी, आमदनी का, शिक्षकों के वेतन का और उनकी भर्ती का। हमारे यहाँ दिखा जो सिस्टम था हमारे स्टेट में, ये था कि जो मदरसा था वो एडवर्टाइज करता था, फिर मदरसे के टीचर की नियुक्ति करके उसके प्रपोजल जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर था वो उसके यहाँ रखता था। उसके बाद वो प्रपोजल का परीक्षण होता था, परीक्षण के बाद में वो प्रपोजल जो है डायरेक्टर को भेजा जाता था। फिर डायरेक्टर को भेजने के बाद में वो प्रपोजल जो है सेक्रेटरीट को भेजा जाता था, और सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजता था, फिर वहाँ से सेंक्शन होता था। लेकिन इसमें यह था कि मदरसा अगर कोई टीचर काम नहीं कर रहा है मदरसा या कुछ भी, तो उसको मदरसा वाले उसको अलग कर सकते थे।
अब जैसे मान लो इस तरह का कोई टीचर रख भी दिया गया, सरकार उसकी सैलरी भी नहीं दे रही, टीचर आ भी नहीं रहा है, तो उस टीचर को निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, मदरसे बहुत कमजोर है और सरकार बहुत स्ट्रांग है, मदरसे वाले सरकार से नहीं लड़ पाएंगे। नहीं तो नहीं हम ये जो एजाज अगर साहब, हमको बात लड़ाई की सीखने नहीं वाली है, बात बात है। सिर्फ ये कि असल में जो सिस्टम है और जो कानून पश्चिम बंगाल में बना जी 2008 में, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो ठीक जी है, जी तो क्या उसके ठीक होने का मतलब है और उसका असर क्या है? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो आपने कहा तकलीफें, ये देखिए जरूर इस कार्यक्रम के जरिए देखिए सरकार तक माननीय, पहुंचेंगी और उम्मीद है कि इस पर जरूर जल्द से जल्द सरकार ध्यान देगी और कुछ कार्रवाई करेगी। अब मैं नकवी साहब वापस आपका आना चाहता हूं, इस फैसले के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें और इसको ब्रॉडर पिक्चर में समझना चाहूं, और जो सत्या ने एक पॉइंट रेज किया है, क्या आर्टिकल 30 के तहत संचालन का अधिकार जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, क्या कहीं उस पर भी ये चोट करता है फैसला? जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। संचालन के अधिकार का जो सबसे पहला नुक्ता होता है वो ये होता है कि आप टीचर्स अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकें और अपने हिसाब से हटा सकें। अगर टीचर अपॉइंट करने का और शिक्षक अपॉइंट करने का अधिकार या नॉमिनेशन का अधिकार कहीं ना कहीं शेयर हुआ है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस अधिकार का हनन हुआ है, बट कहीं ना कहीं वो अधिकार जिसकी पूरी संप्रभुता आज तक सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास थी, वो अधिकार थोड़ा सा ट्रांसफर होके शिफ्ट होके कमीशन के पास गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट को आर्थिक मदद मिल रही है, तो क्या एक प्रैक्टिकल लेवल पे उन इंस्टीट्यूशंस की या मदरसों की, जैसे अभी कहा गया कि वो आर्थिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं, क्या उनकी इतनी बिसात होगी आगे जाके जब ये लॉ डेवलप होगा, इसमें नए नोटिफिकेशन आएंगे, रूल्स आएंगे, इसके अंदर भी रूल्स बने से इस अधिनियम के अंदर जो मैं देख रहा था, अधिनियम के अंदर रूल बनेंगे, रूल में अमेंडमेंट होगा, उसमें धीरे 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 जैसे लॉ डेवलप होता है हम देख रहे हैं, क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो संप्रभुता आज की डेट में है ये रहेगी, या रूल और कानून बनने के साथ साथ जो आज की डेट में संवैधानिक करार हुआ है, क्या ये शिफ्ट होगी? तो कहीं ना कहीं जो संप्रभुता थी वो थोड़ी सी सीमित तो हुई है इस जजमेंट से, जहां पे कमीशन के पास राइट गया है। अभी तक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास राइट है, मना करने का भी राइट है, जैसा महामहिम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है, लेकिन कानून में अमेंडमेंट होते हैं, कानून में रिविजन होते हैं, सारी की सारी चीज डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स है, जब ये आगे चलेंगे, जब ये कानून आगे चलेगा, तो समझ में आएगा कि इसका असली इम्पैक्ट क्या है। उन शिक्षकों का क्या होता है अगर कोई शिक्षक अपॉइंट हुए जिनको सैलरी नहीं मिली, जी, जिनका नॉमिनेशन आया था, क्योंकि मदरसा सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या होगा? कुछ लोग उनमें से जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, रिट पिटीशन भी लगा सकते हैं, सरकार से भी सैलरी मांग सकते हैं। वो सब चीजें आगे फ्यूचर में है, पता चलेगा धीरे धीरे आगे क्या हो रहा है। ओके, सत्या का आखिरी कमेंट, क्या इस फैसले का असर, इसका इम्पैक्ट जो संचालन की आप बात कर रहे थे, न सिर्फ मदरसा बल्कि जो भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है वहां तक भी पहुंच सकता है या पहुंचेगा ही? देखिए, मुझे नहीं लगता है वहाँ तक पहुँचेगा। उसकी वजह यह है कि जो इसके पहले के कई जजमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग TMFI, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट्स हैं, जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के जो अधिकार हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसको कोर्ट ने माना हुआ है कि ये अधिकार उनके पास है और इसको नहीं लिया। लेकिन जो लार्जर डिबेट है, और जिस तरह से अब एक दो प्रोग्राम में यहाँ पर भी चर्चा हुई है, वो डिबेट ये है कि आप माइनॉरिटी जिनको आप मान रहे हैं उसका डिफिनेशन अवेलेबल नहीं है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना 1993 में, उसमें भी डिफिनेशन अवेलेबल नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन तय करेगी कि कौन माइनॉरिटी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स और पारसीज और जैन्स को तो 2014 में किया गया। ये सबको जब नोटिफाई किया तो उसमें भी किस आधार पर ये नोटिफिकेशन हुआ है ये नहीं है। ये मान लिया गया है कि जो लोग भी 50% से कम हैं वो माइनॉरिटी हैं। अभी जो डिबेट है और जो यूनाइटेड नेशंस ने जो इवन माइनॉरिटी का डिफिनेशन दिया हुआ है, उसमें न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एलोन नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि 50% से कम है, उसमें ये भी है
की डोमिनेंट पोजीशन। अब इंडिया की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, अभी वी हैव लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। कुछ सालों में इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में 25 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, क्या उनको माइनॉरिटी माना जाए, ये लार्जर डिबेट है। और या माइनॉरिटी की अगर कोई डेफिनेशन हम बनाते हैं तो क्या हम मानेंगे कि कोई ग्रुप 49.9% और 99% तक है तब तक उसको माइनॉरिटी माना जाए, या कोई थ्रेशहोल्ड तय होगा, थ्रेशहोल्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, थ्रेशहोल्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, ये चीज़ें लार्जर डिबेट की है। और दूसरा एक और जो अभी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आई है, जो मेजोरिटी ग्रुप्स हैं, हिंदू ग्रुप्स कई हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि आर्टिकल 30 का राइट हमें भी होना चाहिए, हम भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं, हम ये नहीं करें कि बाकी से आप ले लीजिए बट हमें भी ये राइट दीजिए, इसको लेके भी मांगे उठ रही हैं। चलिए वक्त कम है लेकिन बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए। असल में सुप्रीम कोर्ट ने आज अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को लेकर बात कही है वो क्या है, और पश्चिम बंगाल को लेकर जो वहाँ की सरकार ने 2008 में कानून बनाया वो क्या था, और